प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं की हिंदी सुलभ भारती की पहली इकाई का पहला पाठ वाचन मेला पढ़ेंगे। देखो, समझो और बताओ, वाचन मेला। पहला जो पाठ है हमारा, एक इसमें चित्र दिया हुआ है। ये चित्र है वाचन मेले का। इस वाचन मेले में यहाँ पर हम देखेंगे एक स्टॉल लगी हुई है बाल साहित्य, जिसमें ऑडियो बुक्स हैं, विज्ञान कथा, इसकी एक स्टॉल लगी है। फिर यहाँ दूर भी कई और स्टॉल्स लगी हुई किताबों की। इसी तरह यहाँ पर एक स्टॉल लगी हुई किशोर साहित्य की, इसमें मतलब बड़ी क्लास के लड़के लड़कियों की का साहित्य है, जैसे 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, इनको किशोर कहा जाता है। ये किशोर साहित्य की किताबें हैं। यहाँ पर भी कुछ स्टॉल लगी हैं जिसमें बच्चे अलग अलग पुस्तक देख रहे हैं। और इस हिस्से में अगर देखेंगे तस्वीर पर, यहाँ पर एक ग्रंथ डिंडी ले जाई जा रही है, जिसमें कुछ बच्चे पालकी में चंद किताबें सजाए हुए लेकर निकले हैं। साथ में कुछ बच्चे, उनके हाथों में फलक हैं और वो घोष वाक्य कहते हुए निकले हैं। जैसे जुलूस में हम निकलते हैं किसी किस्म का, प्रभात फेरी वगैरह होती है, नारे लगाते हुए, तो अलग अलग फलक होते हैं हाथ में। जैसे यहाँ एक फलक पर लिखा हुआ है ग्रंथ डिंडी, सामने जो लड़की चल रही है उसके हाथ में, दूसरी लड़की के हाथ में पुस्तकों से पाए ज्ञान, जाने भाषाएं विज्ञान। ये एक नारा है या घोष वाक्य है। ऐसे आपको और भी घोष वाक्य बनाना है। इसी तरह यहाँ देखेंगे हम, पुस्तकें हैं हम सब की साथी, प्रज्वलित करें ज्ञान की बाती। ये भी एक घोष वाक्य है, एक शेर की तरह बना हुआ है ये। तो इस तरह हमको अलग अलग नारे लगाकर, जैसे जुलूस हम ले कर निकलते हैं या फिर प्रभात फेरी ले कर निकलते हैं स्कूल में मुख्तलिफ प्रोग्राम की, तो ऐसे यहाँ पर भी करना है।